flow तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे से होंगे मजे में होंगे हैप्पी एंड सेफ होंगे सो गाइज आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा डिफरेंट बिकॉज हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे इट्स अ ट्रेवल ब्लॉग और सब जो प्लानिंग वगैरह है वो सब हस्बैंड ने की है तो कहाँ जा रहे हैं कितना डिस्टेंस है ये सब कुछ मैं आपको वहां पहुंच के सब कुछ इंफॉर्मेशन देती हूँ और राइट right नाउ अभी टाइम हुआ है सुबह के बज रहे हैं टेन ओ और अभी हम रुके हैं पब्लिक्स में सो so कुछ हमें हमारी जर्नी पे हमारे ट्रिप पे तो जब तक हम पहुंचते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे तब तक आप देखिए मैंने क्या प्री प्लानिंग क्या प्रिपरेशन की है ट्रिप के लिए सो so गई किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये रहती है कि आप उस ट्रिप की प्री प्लानिंग किस तरीके से करते हैं ताकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेव हो जाए और प्लानिंग करने से ये होता है कि आप एग्जैक्टली exactly जो प्लान आप बनाते हो वो एग्जीक्यूट होता है मेरी प्लानिंग दो तीन दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है अगर कुछ शॉपिंग करनी है या बाहर से कुछ लाना है वो ऑलरेडी मैं लेकर आ जाती हूँ एंड सेकेंड ये रहती है कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी डेली यूज की जो चीज़ें हमारे काम में आती है वो मैं लिस्ट बना के रखती हूँ या फिर ये कहें कि ऑलरेडी मेरे पास में लिस्ट बनी हुई रहती है तो वो सामान मैं पहले पैक कर लेती हूँ और कुछ भी कुकिंग वगैरह का काम रहता है कुछ स्नैक्स है वो ऑलरेडी मैंने बना के रख ही लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आ, ये एक बैग जो है वो बच्चों के स्नैक्स का मैंने रखा है कुछ मैंने यूटेंसिल्स लिए हैं एंड बच्चों के ब्राउनी वगैरह मैंने एक दो दिन पहले ही कर ली थी एंड यहाँ पे छोटे छोटे से जिप लॉक के पैकेट मैंने बना लिए हैं जिसमें दाल राइस है उपमा है सो तो ये जो ड्राई सामान भी मैं रखती हूँ ताकि नीड होगी तो वहाँ पे बनाने के लिए और कुछ हम लोग वहाँ पे ग्रिल वगैरह भी करेंगे तो मैरिनेशन करना वो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के करूंगी सो so, रेसिपीज मैंने कुछ इस तरीके के लिए जैसे मैरिनेट कर लिया है है वन पॉट मील तो जल्दी से बन जाए सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ना हो कि कुकिंग में चला जाए फिर जिस मोटिव से गए हैं इंजॉय करने फैमिली टाइम स्पेंड करने वो फिर नहीं हो पाता है और कुछ मैंने बच्चों के लिए गेम्स वगैरह लिए हैं सो ऑल सेट फॉर ट्रेवल सारे बैग पैक हो चुके हैं गुड मॉर्निंग तो अभी टाइम हुआ है सिक्स और किचन में आते ही सबसे पहले मैंने मैरिनेशन का काम फिनिश कर दिया है सो so, यहाँ पे मैंने चिकन और पनीर दोनों छोटे छोटे से लॉग में मैरिनेट करके रख दिए हैं और ये जाएंगे वाटर कूलर में और एक ही टाइम का लिया है मैंने ये और अभी के लंच के लिए मैंने बनाई है पूड़ी आलू की सूखी जो ड्राई वाली सब्जी होती है वो और साथ में कुछ पिकल वगैरह ले लेंगे एंड ड्राई वाली जो मिर्ची है वो मैंने बनाई थी कल ही सो ये मैं पैक कर लूंगी अभी तो हम पहुंचे हैं मयका रिवर स्टेट पार्क और ऑलमोस्ट हमने एक से डेढ़ घंटे का डिस्टेंस जो है वो तय कर लिया है जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो ऑन द वे अगर कुछ भी स्पॉट आता है देखने के लिए सो डेफिनेटली हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और आराम आराम से एक्सप्लोर करते हुए पूरा टाइम लेते हुए हमारे ट्रिप को एंजॉय करते हैं सो यहाँ पे हम रुके हैं लंच भी कर लेंगे और थोड़ा हमारा ब्रेक भी हो जाएगा तो यहाँ पे एंट्री फीस थी एंटर करने के लिए मयका रिवर स्टेट पार्क अगर आप आते हो तो दिस इज फॉर कैंपिंग हाइकिंग यहाँ पे बोट राइडिंग भी होती है हॉर्स राइडिंग भी होती है वेल वाइल्ड लाइफ व्यूइंग के लिए दिस इज बेस्ट यहाँ पे छोटे छोटे से हिस्टोरिक कैबिन भी थे सो यहीं पे हमने लंच कर लिया एज अ पिकनिक स्पॉट अगर नेचर ट्रेल अगर आपको कर नहीं हो तो ठीक है हमको ये प्लेस ओके ओके लगा था बिकॉज हमने इस टाइप के प्लेसेस हमने फ्लोरिडा में विजिट किए हुए थे बट यही है कि अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो कुछ चीजें आपको अच्छी लगती है कुछ चीजें नहीं लगती हैं एंड वापस हमें जाते हुए ये एक ब्रिज दिखा था सो तो यहां पे बहुत सारे लोग पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे थे एलिगेटर देख रहे थे सो तो हम भी कुछ टाइम के लिए यहां पे रुक गए थे चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे और इस प्लेस का नाम है आर सो इट्स बेसिकली फार्म हाउस स्टे है एंड ये टेम्पा से 120 ट्वेंटी माइल के डिस्टेंस पर है सो so ऑलमोस्ट हमको दो घंटे लग गए थे यहाँ पे पहुँचने में और हमारा जो चेक इन टाइम था वो था थ्री ओ क्लाक सो ये बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पर छोटे छोटे से कैबिन बनाए हुए हैं और पूरा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है इन्होंने गैस है फ्रिज है एवरी यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए एनिमल्स हैं तो वो अभी हम इवनिंग में देखेंगे फिलहाल के लिए अभी करते हैं रेस्ट एंड शाम को आपको पूरा फार्म हाउस ये दिखाऊंगी क्या क्या एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए सो so गई बाहर हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी चलते हैं फटाफट से अंदर बट अंदर जाने से पहले आपको मैं इस कैबिन का क्विकली टूर दे देती हूँ सो so, दो तीन दिन के लिए यही अब हमारा घर है अंदर एंटर करने से पहले इन्होंने बहुत ही सुंदर सी बाहर टेबल चेयर लगाई हुई है एंड डेकोर किया हुआ है अंदर एंटर करते ही एक रूम जितनी ही जगह है बट उसको बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोर किया हुआ ये देखिए वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है ये सामने किचन दिख रही है आपको ये छोटी सी विंडो है और किचन में भी कॉफी मेकर है आपके डेली यूज के जो यूटेंसिल्स वगैरह है वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे कप्स हैं इलेक्ट्रिक गैस है फ्रिज है यहाँ पे छोटा सा और फ्रिज के पास में एक एक कार्ट है जिसके अंदर कॉफ़ी है प्रेस है वाइप्स वगैरह हैं ईच एंड एवरीथिंग बट इंडियन कुकिंग में जो स्पाइसेस और जो हम लोग खाते हैं वो तो मैं खैर लेकर आई हूँ बट नॉर्मली इन्होंने ये सब कुछ यहाँ पे अरेंज करके दिया हुआ है और ये देखिए रूम को भी बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा डेकोर किया हुआ है एंड ये है बाथरूम शावर लेने के लिए इन्होंने ओपन शावर दिया हुआ है वो बाहर है दिस इज आर फर्स्ट टाइम जब हम इस तरह से कैबिन रेंट पे लेके टू थ्री नाइट्स के लिए हम स्टे करेंगे सो इट्स अ काइंड ऑफ कैंपिंग बट हम इसको ग्लैम्पिंग कहेंगे जिसके अंदर हमको लग्जेरियस अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होता है कैंपिंग की तरह ही होता है बट इसमें आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है एंड uh, यहाँ पे ए है फैन है एंड uh, सोने के लिए जो है इन्होंने ऊपर अपर फ्लोर पे बेड वगैरह जो भी है वो दिया हुआ है अभी चलते हैं ऊपर ऊपर जाने के लिए इस तरह की दो सीढ़ियाँ दी हुई है राइट और लेफ्ट के अंदर और इनको मूव भी कर सकते हैं हम और ये देखिए ऊपर इस तरीके से इन्होंने बेड सेट किया हुआ है सोने का पूरा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से किया है इधर फैन लगा हुआ है और इसी तरह का सेम अरेंजमेंट इन्होंने दूसरी साइड भी किया हुआ है सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी भी है बट वाईफाई आई थिंक इस रूम में नहीं आता है बाहर जाते हैं तो नेटवर्क आता है एंड ये मिरर दिया हुआ है रेडी होने के लिए तो अभी टाइम हुआ है शाम के साढ़े छः सो चाय वगैरह पी के हम लोग हो गए हैं फ्री वेल मैं ही चाय पीती हूँ और हमने यहाँ पे बाहर आके ये सेटअप कर दिया है हेमक लगा दिया है बीच चेयर्स लगा दी हैं और रन्नू अभी यही बीच टॉय से खेल रहा था मिट्टी में और ये देखिए पूरा यहाँ का एटमोसफेयर एकदम विलेज जैसा लग रहा है यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी है और ये पूरा फार्म हाउस है तो इन्होंने यहाँ पे कहीं बकरियां पाल रखी हैं मुर्गिया हैं गायें हैं और आपको यहाँ पे ट्रैक्टर भी देखने को il-ġega. सो so, बहुत अच्छा है फन है बच्चों के लिए एंड यू वॉन्ट बिलीव जो चीज़ हमें इंडिया में इजीली देखने को मिल जाती है लाइक like हम छोटे से बड़े इसी माहौल में हुए हैं उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर टू से थ्री आवर्स ट्रैवल करके इस प्लेस को रेंट पे लेके बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं सो दिस इज द डिफरेंस बट अच्छा है बच्चों को नेचर से कनेक्टेड महसूस होता है और डेली लाइफ के रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स से वो थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट दूर रहते हैं और यहाँ के जो ओनर थे फार्म हाउस के उन्होंने आउटडोर भी बच्चों के लिए बहुत सारे गेम रखे थे एंड इनडोर भी जैसे आप कैबिन में बैठे हो आफ्टरनून में टाइम पास के लिए बोर्ड गेम्स रखे थे सो तो बहुत सारी एक्टिविटी थी और इस तरह के प्लेसेस के ऊपर बच्चों के साथ में इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हमको इन्वॉल्व रखना पड़ता है उनको और लेट मी इंट्रोड्यूस रनू न्यू फ्रेंड सो रनू ने ही इनको ये नेम दिए हैं हेजल और क्रिस्टोफर और मोस्ट ऑफ द टाइम रनू ने इन्हीं के साथ में टाइम स्पेंड किया है सो उसका तो बहुत अच्छे से टाइम पास हुआ है यहाँ पर और अभी हो गई है इवनिंग सो हमने कुछ ग्रिल किया था बाहर देन फिर कुछ लेफ्ट ओवर था मॉर्निंग का वो मैंने हम सब के लिए गर्म कर लिया था सो ये था हमारा यहाँ का फर्स्ट डे सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस गुड मॉर्निंग सो ये है नेक्स्ट डे और जैसा कि आप देख रहे हो ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है सो तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है ब्रेड बटर है एग बॉईल कर लिया है और हजबेंड के लिए कॉफी बना दी थी सो so, ऐसा कुछ स्पेशल वाला मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है सिंपल सोवर सा है अभी हम ये ब्रेकफास्ट करेंगे और रन्नों को देखे ये अपना कुछ अलग ही टाइम पास कर रहा है तो so, बहुत ही लेजी सी एंड रिलैक्स वाली मॉर्निंग है और लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं और अभी मैं यहां पे कर रही हूँ लंच की तैयारी मेरी छोटी सी किचन में सामने है लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम एकदम कोजी कोजी सा बड़ा ही अच्छा लग रहा है और ये है हमारा लंच जिसमें मैंने बनाया है मिक्स वेजिटेबल पुलाव कर्ड है पिकल हो गया है और थोड़ा सा सैलेड कट किया है फाइव कोर्स मील नहीं है बट ये भी यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था और अभी हम निकले हैं हमारे वाटर बॉटल्स फिनिश हो गई थी तो सोचा नियर बाय कुछ भी स्टोर जो भी होगा सो वहां से हम पानी लेकर आते हैं सो यहाँ पे विंडिक्स ही था वैसे जाना तो था पब्लिक्स बट यही नियर बाय था तो यहाँ पे हम आए हैं गाइस तो आज है डे थ्री और आज हमको करना है चेकआउट अभी 11 बजे करना है तो अभी हो रहा है टाइम साढ़े दस एंड पीछे ये देखो रनू हो गया है रेडी इधर लक्षित अभी हो गई है रेडी और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थोड़ी गर्मी थी तो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से और आगे क्या क्या ब्लॉग में होता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी तो यहाँ पे सारा सामान वाइंड अप किया जा रहा है सारा जो लगेज है वो हमने कार में रख दिया है जो भी ट्रैश वगैरह था वो हमने पॉलिथीन में डाल के बाहर रख दिया है किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हमको प्रोवाइड हुए थे खाना बनाने के लिए वो एज इट इज वापस क्लीन करके मैंने जगह पे रख दिए हैं सो वी आर रेडी टू गो और टू थ्री डेज यहाँ पे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला इनिशियली फर्स्ट डे हम आए थे तो थोड़ा हमें लगा था कि वेदर थोड़ा ठंडा होना चाहिए था बट आफ्टर दैट इट वॉज वेरी नाइस थोड़ी बारिश भी हो गई थी और इवनिंग्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई थी किड्स के लिए इस तरह की एक्टिविटी हमें करते रहना चाहिए उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और रास्ते में ये छोटा सा टाउन आया था तो सोचा थोड़ी देर यहां पे रुकते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं और अभी हो गया है लंच का टाइम तो सोचा लंच करके ही फिर आगे निकलते हैं लंच में हमने खाया था टाको बेल एंड देन हम इसी टाउन में हेम्फ्रिज पार्क था तो वहां पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया फोटोज वगैरह क्लिक कराई एंड उससे थोड़ा आगे निकले तो हमें ये बीच दिखाई दिया बहुत ही ब्यूटीफुल सा था तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और यहीं पे ही हमको तीन से चार बज गए थे सोचा था ऑन द वे सी बीच आता है तो वहां भी होते हुए जाएंगे बट हिम्मत नहीं थी सो हम सीधे घर को निकल गए सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज ब्लॉग और अगर आपको इस तरह के ट्रेवल ब्लॉग पसंद आते हैं डेली लाइफ रूटीन यूएस लाइफ स्टाइल सो सब्सक्राइब टू माई चैनल तब तक के लिए टेक केयर बब बाय